नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। ऑसम कलेक्टिव्स में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक बेहद ही नए रोचक विषय के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर वैश्यालय की मिट्टी से क्यों बनाई जाती है माँ दुर्गा की प्रतिमा। आज इस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, ताकि इसी तरह की रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए समय से लाते रहेंगे। दोस्तों, नवरात्रि का पावन त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पूरे 9 दिन माँ की पूजा पाठ विधि विधान के साथ की जाती है। माता की स्थापना से पहले माँ की मूर्ति को तैयार किया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि माँ की मूर्ति मिट्टी कहाँ से लाई जाती है? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि माँ दुर्गा की मूर्ति का निर्माण करने के लिए वैश्यालय की भी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक माँ की मूर्ति बनाने में गंगा की मिट्टी, गोबर, गोमूत्र और चौथी वैश्यालय की मिट्टी अहम होती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। आइए जानते हैं इसके पीछे आखिर क्या कारण है। बहुत से विद्वानों के मुताबिक समाज में वैश्याओं को सामाजिक रूप से अलग रखा जाता है, जिनकी अहम भूमिका को दर्शाते हुए वैश्यालय के आंगन की मिट्टी से माँ दुर्गा की मूर्ति का निर्माण किया जाता है, जिससे उनकी भी महत्ता बढ़ सके और उन्हें भी पवित्र माना जाए। वैश्यालय की मिट्टी से दुर्गा माता की मूर्ति के बनाने के पीछे कई सारी मान्यताएँ हैं। माना जाता है कि पहले मंदिर के पुजारी वैश्यालय के बाहर जाकर वैश्याओं से उनके आंगन की मिट्टी मांग कर लाते थे और उसके बाद मंदिर के लिए मूर्ति बनाई जाती थी। धीरे धीरे परंपरा बढ़ती गई और नवरात्रि पूजन के लिए जो मूर्तियां बनाई जाती हैं उनमें भी इस मिट्टी का उपयोग किया जाने लगा। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि माता दुर्गा ने वरदान दिया है कि वैश्याला की मिट्टी से बनाई गई मूर्ति की स्थापना करने से ही उनका व्रत फलीभूत होगा और तभी से माँ दुर्गा की मूर्ति वैश्याला के आंगन से लाई गई मिट्टी से भी बनाई जाने लगी। दोस्तों, आज की जानकारी आशा करती हूँ आपको अच्छी और महत्वपूर्ण लगी होगी। तो हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और अगर आप नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, ताकि इसी तरह की रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए समय से लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।